कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि स्पेशल इसलिए है हम लोग जा रहे हैं घर बिहार अपने, वो भी कितने साल बाद जा रहे हैं नीलू? दो साल बाद। सो हम लोग जा रहे हैं राइट 2 साल बाद अपने घर, अपने होम टाउन, अपने बिहार। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद से बहुत सारी ऐसे लड़के मिलेंगे मैच खेलने के लिए। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और ये देखो मन्नू क्या कर रही है। क्या कर रही है मन्नू? हमारा जो ट्रेन है वो आनंद विहार से है, आनंद विहार से सिवान जंक्शन, और ट्रेन का नाम है पुरवैया एक्सप्रेस। ट्रेन है 5 बजे का। सो चलिए चलते हैं, फिर इंजॉय करते हैं, रास्ते का मज़े लेते हैं, मस्ती करते हुए जाएंगे। सो वीडियो में बने रहिएगा प्लीज़, क्योंकि ये भी बहुत तगड़ा ब्लॉग होने वाला है। सो चलिए चलते हैं, फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट। एंड पूरा एकदम बिखेर दिया कि ये बैग है, एक ये बैग है, एक ये बैग है, एक ये भाई साहब, ये खाने का, ये खाना है पूरा रेडी हो चुका है, सब लोगों का खाना है, खाना सब रेडी हो चुका है, ये भी रेडी हो चुके हैं सब लोग। मम्मी नहा रही हैं, मम्मी भी रेडी हो चुकी है। देखो ये बड़ा सा, एक ये है, एक ये है, और काफ़ी सारा सामान है। ये सब लोग रेडी हो चुके हैं हमारे घर में जाने के लिए, और टाइम हो गया है 2 बजने वाला है। और मैं जा रहा हूँ ऑटो के लिए। सबसे पहले चाय पी रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं खाया था सुबह से। चाय दे दिया नीलू ने, एहसान कर दिया हमारे ऊपर, चाय पीने लगी है। ये देखो तैयार हो रही है अभी। सो हम चल रहे हैं अभी चाय पी के, उसके पास ऑटो वाले के पास चलेंगे, देखते हैं कितना रुपए लेता है। 5 लोग हैं हम, 2 ऑटो लगेगा, 2 ऑटो में जाएंगे हम लोग चाय पीने के बाद से, फिर हम चलते हैं। इस चाय हमारा ख़त्म हो चुका है, अब हम जा रहे हैं ऑटो के लिए, देखते हैं कितने रुपए का ऑटो पड़ता है, चलते हैं। हमारी पुरवैया एक्सप्रेस जो कि है 5 बजे उसका ट्रेन है आनंद विहार से, और अभी हम लोग यहाँ पर घर पर हैं। करने के बाद से ऑटो वाले मान गए हैं 300 रुपये में, चलते हैं, बैठते हैं और ले चलते हैं। हम बैठ गए हैं ऑटो में, चलते हैं, 320 रुपये पर सवारी, 20 रुपये में खुश हो गए भाई हैं। चलो वैसे रेट तो सबका बड़ा हुआ है, चलो कोई नहीं, बस खुश रहो। पानी भावे। और ये रहे, इसमें भी सामान डल गया हमारा। ये देखो मम्मी। बैठो बैठो, जल्दी बैठो, सबको लेके बैठो। ओए चल 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 करा, सबसे ज्यादा लेट कर दिया तुमने। हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं, और ये देखिए हम लोग जाते हुए, सबसे ज्यादा लेट हुआ मधु की वजह से, जो साइड में जो बैठी है, उल्टी आ रही है। बैठ, नहीं आई उल्टी, उल्टी आ रही बेटा, ऐसे देखो, नहीं आई उल्टी, ओके ऐसे देखते रहो। उधर क्या है? ओ भाई वो क्या है, लिया है एक ऑटो में हम लोग हैं, एक ऑटो में हमारे ये देखो बच्चे हैं, दो ऑटो में लव बर्ड्स जा रहे हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें बुढ़ऊ बुढ़िया हैं, वो सामने वाले ऑटो में जा रहे हैं, सामने वाले ऑटो में दोनों बुढ़ऊ बुढ़ियों जा रहे हैं लव बर्ड्स। 3 जने इस ऑटो में जा रहे हैं, क्योंकि सामान ज़्यादा हो गया था, रखते रखते पता लगा कि 2 ऑटो हो जाएगा, और वैसे ही मैं लेके आ गया था। एक ऑटो में वैसे ही सामान हो जाए ना, एक ऑटो में वैसे 5 जने लोग नहीं आते। हाँ ठीक है, हमारे बेटे ने कर दिया है वोमिट, उल्टी। आपने उल्टी क्यों किया ये बताओ। करूँगा। बड़ा बेकार इंसान है यार। हम लोग पहुंच चुके हैं अक्षरधाम से थोड़ा सा पहले, और अब हम थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे स्टेशन पे, आनंद विहार स्टेशन। आपको 2 बार उल्टी आ गई है, 2 बार इन्होंने कर दिया है। स्टैंड पे आ गए, सो हम लोग आ गए हैं स्टैंड पे, और मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि हमारे बेटे को दो बार उल्टी हो गया। ये बेचारे की देखो शक्ल कैसी हो गई, और देख लो शक्ल कैसी हो गई बाबू के मेरी। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन।
आनंद विहार रेलवे स्टेशन। हमारी जो गाड़ी आएगी 5 बजे के करीब यहाँ से निकलेगी पुरभुया एक्सप्रेस, और हम लोग करेक्ट यहाँ पे 3:38 पर पहुँच चुके हैं। सामान इतना ज़्यादा था कि कुली करना पड़ा, और बहुत ज़्यादा सामान था। आ रहे हैं दूसरी बार अंकल, उधर से उधर हाथ पकड़ रहे थे, बस हाथ में फोड़ो ऐसे देखते रहो। हिंकर तो टेंशन निकल गया। ऊपर है पुरवैया की तो खड़ी है यहाँ पे, तो ट्रेन तो यहीं पे खड़ी है। कहाँ बैठे हो आप? आप कहाँ बैठे हो बेटा? मम्मी एक रली अच्छा हो गया बेटे बाबू के लिए। देखो हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, क्योंकि ट्रेन ये देखो खड़ी है प्लेटफॉर्म पे ही, और हम लोग बैठने के लिए जा रहे हैं ट्रेन में। S4 में 15 नंबर और 23 नंबर सीट है हमारी। हमारी जो ट्रेन है वो 5:10 पे एकदम करेक्ट टाइम पे निकल चुकी है, और यहाँ आनंद विहार से क्या बोल रहे हो? एक और ट्रेन बोला है। हाँ क्या बोला है? करेक्ट टाइम पे ट्रेन निकली है, सो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। वैसे सिवान की जो टाइमिंग है वो 10:10 है। हम वहाँ पे यहाँ से तो ट्रेन एकदम टाइम पे निकली है, लेकिन वहाँ देखते हैं पहुँचती है नहीं पहुँचती है टाइम पे, बस ये देखना जरूरी है। इसमें पहली बार बैठा हूँ इस ट्रेन में, पुरभैया एक्सप्रेस, जिसका गाड़ी का नंबर है 15280। ट्रेन में एक भी वापस नहीं जाना चाहिए, है ना? कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। ये देखो दोनों जनों का मुंह बंद नहीं है अभी तक, इनका और इनका। अरे मम्मी जब से आई बोलो तू, तब से एक ऊपर भी बैठल नहीं हुए हैं। कहो हेलो 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 चाय चाय। दूसरे किसी का मतलब पूछना नहीं है, दूसरा कोई है कि नहीं फैमिली में? चाय पियो बढ़िया पियो अदरक का चाय चाय। दो सर के फैमिली में नहीं के, दो सर के देख ले चाय पी के भेजा दे लीवर आगे। देखो चला गया, वो चला गया। हाँ बोलना के बाद से चाय पीना है देख लिया, वो चला गया तब, चला गया तब। अच्छा पापा मम्मी ले लिया, बताओ दो गजक पट्टी, दो गजक पट्टी दे दो भाई। एक कितने का? 10 रुपए एक। पैसे उधर मम्मी देंगी। मम्मी पैसा दे दो, कोई बात नहीं, खाना नहीं पैसा दे दो थोड़ा। गजक पट्टी 10 रुपए में गजक पट्टी। देखो और किसी को चाहिए? अब तुम्हारा भी मुँह चालू हो गया है, जो अच्छा लगता है वो। ये क्या बन गई हो, ये क्या बन गई हो? हैं ठंडी लग रहा है तो यहाँ पे खिड़की के पास क्यों बैठी हो? ठंडी लग रहा है तो नजारे देख रही है ना? नजारा देख रहा हूँ, नजाला देख लाऊं। मुंह पोंछ दे, मुंह धो दे इसका। हां धो रही हूं। दोनों बच्चे खाना खा लिए? आपने खाना खा लिया? आपने खाना खा लिया? आपने खाना खा लिया? हां दादी ने खाया। खा लिया? ऐसे ब्लेड से देखो। ओके नहीं खाया झूठी। ये गोरखपुर, गुड मॉर्निंग। इसके बाद से गोरखपुर आ जाएगा। हे गाइस गुड मॉर्निंग, हम लोग गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले सब लोग उठे थे, क्योंकि रात में इतना ज़्यादा परेशानी हो गया था, इतना ज़्यादा रश था, जिसकी वजह से ना ब्लॉग को स्टार्ट नहीं कर पाया था, और सब लोग सोए। अभी जस्ट उठे तो देखा कि यहाँ पे गोरखपुर हम लोग पहुँचने वाले हैं, यानी कि बस्ती गोंडा हर जगह ये ऑन टाइम पे चली है, इतना लश होने के बावजूद, इतना लश होने के बावजूद हम बहुत टाइम पर पहुँचे हैं, और अभी थोड़ी देर में हम लोग गोरखपुर पहुँचने वाले हैं। तो गोरखपुर पहुँचने के बाद से कुछ हम खान पान और जलपान करेंगे, है ना? उसके बाद फिर आगे का सफर हम तय करेंगे, यानी कि गोरखपुर से ऑलरेडी 2 घंटा और रहेगा हमें सिवान पहुंचने के लिए। तो देखते हैं अब वहाँ पे गांव जाएंगे तो दिखाएंगे, 2 खतरनाक लोग आए हुए हैं हमारे घर में, उनको भी दिखाएंगे, उनसे मिलवाएंगे जरूर, रूबरू करवाएंगे। गोलू भी घर पे ही है, वो हमारा वेट कर रहा है, बाबू का वेट कर रहा है, हमारा नहीं बाबू का वेट कर रहा है मारने के लिए, लड़ाई करने के लिए। और ये देखो
स्टार्ट हो गया है। दियान मरेसन ब्लॉग के कुछ भी हुआ है ऐसन ब्लॉग बनला नाक ला लोगे मूला लोगे मार और चला तेरा कूचत नहीं कूचत कूचम तेरा घर तेरा कूचम घर चला कूचम अंडा ब्रेड ले लिया है। अब हम जा रहे हैं S4 में अपने डब्बे में जा रहे हैं, फिर उसके बाद से कुछ और लेते हैं क्योंकि पैसों की कमी पड़ गई है। आखिरकार हम लोग सिवान यानी कि अब हम अपने होम टाउन पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी बज रहा है 9:10 और थोड़ी देर में यानी कि 10:10 पे हम लोग होम टाउन पहुंच जाएंगे और उसके बाद से फिर मजा आएगा वहां पे। माटा की कितना साल मैं कह जा गीला खाई लुआ गीला खाई लुआ मोटा को गीला खाई लुआ रे थप्पड़ खाई बे उधर में हम लोग पहुंचने वाले हैं सिवान जंक्शन, क्योंकि सिवान जंक्शन हम उतरेंगे। 5 मिनट का स्टॉपेज होगा, 11 हमारे सामान सूटकेस पड़ा हुआ है, उसको कैसे ले जाएंगे कैसे क्या करेंगे मुझे पता नहीं है। लेकिन कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो? गांव जा रही हो? बिहारी कहीं के गांव जा रही है? अच्छा तो बिहार में ही जा रही है। गाँव वाली है गाँव वाली बिहारी। अरे बिहारी पहुंचने वाला है गाँव अभी। बिहारी बिहारी अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं सिवान जंक्शन। ये मैं वाली जा रहा है चोरी करने के लिए। सीट पे चढ़ने जा रहा है, ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना है। आखिरकार हम पहुंचने वाले हैं। मतलब जब हम आनंद विहार चढ़े थे, आनंद विहार से लेके गोरखपुर तक नहीं देवरिया तक ऑन टाइम आई, उसके बाद से चुप 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 वाला हाल हो गया है। मतलब 10 क्या बोलते हैं 5 किलोमीटर चल रही है फिर कि कोई चैन पुलिंग कर दे रहा है, फिर 5 किलोमीटर चल रही है फिर कोई चैन पुलिंग कर दे रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन आखिरकार हम लोग पहुंचने वाले हैं, बस अब आखिरी हो गया है। 20 मिनट लेट हो गई यार। अभी चलने वाले हैं सब लोग रेडी हो गए। कहाँ बाय बाय क्यों, साथ तो चल रही हो गया यार, सब्र का बांध टूट गया अब यार। गाइस हम लोग आ चुके हैं सिवान, ये देखो तू कौन है। आखिरकार हम लोग उतर ही गए सिवान जंक्शन। यहाँ पे देखिए इतना सारा सामान लेके ऐसा लग रहा है कि हम लोग बिजनेस करने आए हैं, पूरा दिल्ली उठा के लाए हम लोग। पापा अपन टिकट दिखाई बाबा, बिना टिकट के आ गए यहाँ पे सिवान। ये देखो ये मुझे प्लेटफॉर्म टिकट दिखा रहे हैं। ये देखो दिल्ली से सिवान आ गए बिना टिकट। वाह भाई वाह, बचा लिया 500। बाय 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 पुरभैया, बाय बाय। बात करने के बाद से और यहाँ पे वेट करने के बाद से और दुकान वाले से पता करने के बाद से हमें ये पता लगा कि हमारी जो ट्रेन है वो नहीं आएगी। सो, इसी वजह से हम लोग गए थे ऑटो वाले से बात करने के लिए, वो ऑटो वाला मान गया और हम लोग जा रहे हैं ऑटो में सामान रखने के लिए। तो चलते हैं फिर, ऑटो में मिलते हैं आपसे। सब जने ऑटो में बैठ चुके हैं और हम निकल रहे हैं घर की तरफ। ये हमारे ऑटो वाले भैया, गांव की हरियाली का मजा ही कुछ और है भाई साहब। ये देखो गांव की हरियाली, वाह। हम धीरे धीरे अपने घर की तरफ पहुंचते हुए, हमारा अपना घर। अब पहुंचने वाले हैं हम थोड़ी देर में, 45-40 मिनट लगेगा वहां पहुंचने में।
गौंदरी गाँव 10 रुपए। हम गौंदरी गाँव में आ गए। ये रही हमारी गली जो कि हम अपने घर से गली से अंदर मुड़ रहे हैं। देखो ये रहे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ हमार बुढ़िया बुआ आई। ये हमार बुढ़िया बुआ आई। बाप रे बाप ही का रे फुटबॉल ए फुटबॉल फुटबॉल तो नहीं देखेबो तो नहीं सकल देखेबो एने एने अरे बाप रे बाप देखो नहीं मुंह में खाली। हमारे गांव के पूरा फैमिली बाबू ई देख लो बुढ़ियो बुआ है ना तार अलग इंटरव्यू की। ए और ही मुंह तो दिखाओ लो कम से कम सब जाना। हेलो हेलो और ही के बैठे हो सब जाना। आइए ये हमारी दीदी पिंकी दीदी। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ